Namaste, Sashriyakal. Welcome to Punjab Yoga Guru. In today's video, I will be teaching you 15 minutes yoga lesson plan for releasing the stress. Because आजकल के जमाने में हम स्ट्रेस बहुत इजीली ले लेते हैं, बट आज के इस योगा अभ्यास को करने के बाद आप चुटकी से अपने स्ट्रेस को दूर कर पाएंगे. बट यस, आपको रोज अभ्यास करना पड़ेगा. तो खड़े हो जाएंगे मैट पे और शुरू करेंगे थोड़ा थोड़ा नेक रिलीजिंग के साथ. ध्यान रखें, हम जब भी स्ट्रेस ले तो सबसे पहले हमारा जो स्ट्रेस है, हमारी सर्वाइकल स्पाइन जो कि गर्दन का हिस्सा है, वहां पे आता है और धीरे धीरे शोल्डर से होता हुआ पूरी बॉडी में शिफ्ट होता है. तो इस तरीके से नेक रोटेशंस करते हुए हम अपने पूरे नेक और शोल्डर एरिया के स्ट्रेस को रिलीज कर सकते हैं. पहले की वीडियोस में भी मैंने नेक स्ट्रेचेस की इम्पोर्टेंस को बताया, तो आप योगा फॉर वेट लॉस की वीडियो भी देख सकते हैं इस स्ट्रेच की पूरी जानकारी के लिए. नेक्स्ट हम करेंगे शोल्डर रोटेशन, तो इसमें भी आपने श्वास लेते और छोड़ते हुए अपने शोल्डर्स को अच्छे से रोटेट करना है, क्लॉक वाइज एंड एंटी क्लॉक वाइज. ध्यान रखिए, मैं यहाँ पर हर एक ड्रिल को चार चार पांच पांच बार बता रही हूँ. आपने हर एक ड्रिल को 7 से 10 बार जरूर करना ताकि बॉडी अच्छे से वार्म अप हो जाए. अब जब हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो जो योगा में सबसे नंबर वन अभ्यास बताया जाता है वो है हठा योगा का सूर्य नमस्कार. तो सूर्य नमस्कार के जो 12 स्टेप्स हैं वो हमारी बॉडी और स्पाइन से सारी टेंशन को रिलीज कर देते हैं. तो आइए शुरू करते हैं. सूर्य नमस्कार को करने के लिए आपको मैट के टॉप पे आते हुए सीधे खड़े हो जाना है. इनहेल करते हुए दोनों आर्म्स को रेज करना है और एक्सहेल करते हुए बनाना है पहला आसन, जिसका नाम है नमस्कार मुद्रा, प्रेयर पोज भी इसको बोलते हैं. फिर धीरे धीरे इनहेल करते हुए दोनों आर्म्स को रेज करना है और पीछे की तरफ बैकवर्ड बेंड करना है. इसको बोलते हैं हस्तोत्तानासन, जो कि आपकी स्पाइन को स्ट्रेंथन करता है. तीसरे पोज के लिए वहीं से बाजुओं को आपने लेकर जाना है सीधा नीचे की तरफ पादहस्तासन, और अपने लेग्स के जो मसल्स हैं हैमस्ट्रिंग और काफ्स में से सारी स्टिफनेस को दूर करते हुए इसको स्ट्रेच करना है. चौथे पोज के लिए मैं थोड़ा सा आगे आ जाऊंगी और यहाँ पे करूंगी अश्व संचालन आसन. ध्यान दें, जो आसन है वो आपके क्वाड्रिसेप मसल और ग्लूट मसल्स की स्टिफनेस को दूर करने के लिए बहुत अच्छा है. मॉडिफिकेशन अगर चाहते हैं हर एक पोस्चर में तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना लूंगी ताकि बिगिनर्स और इंटरमीडिएट भी इसको अभ्यास कर पाए. फिर धीरे धीरे यहां से अपने लेफ्ट लेग को पीछे लेकर जाते हुए आपने आना है माउंटेन पोज यानी पर्वत आसन में. इसमें हम कंप्लीट बॉडी स्ट्रेच करते हैं, अपने अपर बैक को, अपने हैमस्ट्रिंग काफ्स, नेक को, शोल्डर्स को, हैंड्स को अच्छे से स्ट्रेच करते हैं. फिर यहीं से चिन चेस्ट और बॉडी को ड्रॉप करते हुए हमने आ जाना है अष्टांग नमस्कार में. इसमें हमारे जो 8 अंग है, दोनों हाथ, दोनों नीज, दोनों टोज और आपकी चेस्ट और शिन मैट पे लगी रहती है, बैक को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत अच्छा आसन. यहीं से बॉडी को उठाएंगे, कंधों को रोल करते हुए भुजंग आसन में आएंगे. ध्यान रखिए, जितने भी बैकवर्ड स्ट्रेच के पोजेस होते हैं वो आपकी बॉडी में से, आपकी स्पाइन में से, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में से स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं. यही रीजन है कि आज के अभ्यास में मैं कुछ बैकवर्ड बेंडिंग पोजेस को भी डालूंगी. और धीरे धीरे फिर से आपने आना है माउंटेन पोज में. माउंटेन पोज से अपने राइट लेग को स्ट्रेच करते हुए आपने आगे ले आना है अश्व संचालन आसन में. अश्व संचालन से पादहस्तासन में ये स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं. पादहस्तासन से फिर से हस्तोत्तानासन और नमस्कार मुद्रा में रिलैक्स करना है. अभी मैंने 12 स्टेप्स का अभ्यास किया है राइट साइड से. जब आप इसको करेंगे पहले एक बार राइट साइड से करेंगे फिर लेफ्ट साइड से रिपीट करेंगे तो ये हो जाएगा कंप्लीट सेट. सूर्य नमस्कार को करने के बाद अब हम अभ्यास करेंगे कुछ आसनों का. तो सबसे पहला आसन जो मैं आपको करवाने जा रही हूँ उत्कट आसन. उत्कट आसन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये आपके कोर को एंगेज करता है और आपके मूलाधार चक्र जो कि आपका रूट चक्र होता है उसको स्ट्रांग करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है. और अगर आपका रूट चक्र स्ट्रांग और हेल्दी है आप जल्दी से स्ट्रेस नहीं लेंगे. तो इसको करने के लिए मैं आपको साइड बाय शो करती हूँ दोनों पैरों में, क्योंकि स्ट्रेस को रिलीज करें बहुत ज्यादा एडवांस वेरिएशन में नहीं जाएंगे. दोनों पैरों में कंफर्टेबल गैप लेंगे, धीरे से इनहेल करते हुए दोनों आर्म्स को सामने उठाएंगे. हल्का सा आपने हिप को पीछे की तरफ पुश कर, और ध्यान रखना आपके जो घुटने हैं पैरों से आगे ना जाए, उसके इसमें आपकी नीज पे प्रेशर आ सकता है. और जितना हो सके आराम आराम से हिप्स को डाउन लेकर आना है.
10 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना आपने और धीरे धीरे वापस आना इनहेल के साथ एंड डाउन। प्रैक्टिस के साथ आप अपना जो आसन है उसको 15 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड या एक मिनट तक भी होल्ड कर सकते हैं, बट शुरुआत में 7 से 10 सेकेंड के लिए काफी अच्छा अभ्यास हो जाता है। दूसरा पॉस्चर जो मैं करने जा रही हूँ उसका नाम है परसारिता पादोत्तानासना यानी वाइड लेग स्ट्रेच पोज। इसको करते हुए जब आप फॉरवर्ड बेंडिंग करेंगे तो ब्लड का सारा सर्कुलेशन आपके ब्रेन की तरफ जाएगा और सर्कुलेशन इंक्रीज होने की वजह से आपको एक कामिंग इफेक्ट लगेगा अपने ब्रेन में, जिससे आपका स्ट्रेस धीरे धीरे रिलैक्स होगा। इसको करने के लिए धीरे से इनहेल करते हुए दोनों आर्म्स को रेज करेंगे आप, एक्सहेल करते हुए दोनों हाथ कमर पे और सामने झुकते हुए धीरे धीरे बॉडी को नीचे लेकर जाएंगे। अब आपने दोनों हाथों से अपने एंकल्स को होल्ड कर सकते हैं, बिग टोस को होल्ड कर सकते हैं या हाथों को आप दोनों पैरों के बीचों बीच रखते हुए आपने अपने हेड को डाउन स्ट्रेच करना है। हर एक पोज को आप अपने बॉडी के फ्लेक्सिबिलिटी और कंफर्ट के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। इस वीडियो का बिल्कुल ही मतलब नहीं है कि जैसे पोज बताए आपको बिल्कुल वैसे ही अभ्यास करना है, तो मॉडिफिकेशंस के लिए आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और मुझे बताएं कि किस आसन को करने में आपको डिफिकल्टी महसूस हो रही है, ताकि मैं उसकी बिगिनर और इंटरमीडिएट वेरिएशन बता पाऊं। स्टैंडिंग पोजेस के बाद अब हम आते हैं बैठ के करने वाले आसनों में। तो बैठ के करने वाले आसनों में मैं सबसे पहले आपको करवाऊंगी अंजनेय आसन। जैसे कि मैंने बैकवर्ड बेंडिंग पोस्चर का यहाँ पे मेंशन किया था, क्योंकि जब हम बैकवर्ड बेंडिंग पोजेस करते हैं तो हम अपने स्पाइन को स्ट्रेच करते हैं और यूजली जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो सबसे पहले हमारा गर्दन और नेक का हिस्सा स्टिफ होने की वजह से हमारा जो बैक का पोस्चर है कहीं ना कहीं ऐसे हो जाता है। जब हम बैकवर्ड बेंडिंग पोस्चर्स करते हैं तो उसमें हमारी अच्छी शोल्डर ओपनिंग और चेस्ट की ओपनिंग होने की वजह से हम अच्छे से ब्रीद कर पाते हैं। ब्रीदिंग अच्छी यानी आप किसी ना किसी तरीके से अपने स्ट्रेस को रिलीज कर पाएंगे, आपको जल्दी से स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि आपका स्ट्रेस और ब्रीदिंग पैटर्न कहीं ना कहीं आपस में कनेक्ट होता है। आपने देखा होगा जिनको स्ट्रेस रहता है यूजली उनकी सांस भी चढ़ी हुई रहती है, वो बहुत अच्छे से ब्रीदिंग नहीं कर पाते। तो अगला आसन जो है वो आपको अपने ब्रीदिंग पैटर्न पे काम करने के लिए हेल्प करेगा, आपके शोल्डर्स और बैक के पोजीशन को सही करने में हेल्प करेगा। तो मैं यहाँ से अपने राइट लेग को आगे ले आई हूँ। अगर आपको घुटनों में दर्द रहता है तो आप नी के नीचे कुशन का भी सपोर्ट दे सकते हैं। अब धीरे धीरे अपने नी को जितना आप मैक्सिमम स्ट्रेच कर पाए पीछे की तरफ लेकर जाना है, हाथों को कमर पे रख के बेसिक या फिर दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए अपने बैकवर्ड बेंडिंग कर। कम से कम आप 5 से 7 सेकंड के लिए होल्ड करें, जितना आपको बैक अलाउ करता है। और इसको करने के बाद और दोनों साइड से करना आपने चाइल्ड पोज में जरूर से रिलैक्स करें। मैं अपनी हर वीडियो में काउंटर पोजेस, कूल डाउन और वार्म अप का इम्पोर्टेंस जरूर बताती हूँ। काउंटर पोजेस करना इसलिए जरूरी है, अगर आपने बैकवर्ड बेंडिंग किया कई बार मसल्स ज्यादा स्ट्रेच हो जाती हैं, तो उसको बैलेंस करने के लिए उससे ऑपोजिट स्ट्रेच यानी बैकवर्ड बेंडिंग जब हम करते हैं पीछे की तरफ तो उसके बाद फॉरवर्ड बेंडिंग स्ट्रेच करना चाहिए। और वार्म अप तो हर एक आसन को करने से पहले आपको करना चाहिए शुरुआत में, ताकि आपको इंजरीज ना आए और बॉडी गर्म रहे। देखो लोहा भी जब गर्म होता है तभी जो लोहार है उसको किसी भी शेप में ढाल पाता है, ऐसे ही आपकी बॉडी है। अगर आप बॉडी में अच्छे से वार्म अप करेंगे, बॉडी हीट अप होगी, तभी आप आसन कर पाएंगे। और अंत में कूल डाउन करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट। चलिए अभ्यास करते हैं अगले आसन का। ये वन ऑफ दी बेस्ट पॉस्चर है योगा में, जिसको बोला जाता है धनुरासन। धनुरासन करने से आपकी ओवरऑल बॉडी स्ट्रेंथन होती है। पहले मैं आसन आपको करके दिखाऊंगी, फिर आपको इसके फायदे भी बताऊंगी। इस तरीके से दोनों हाथों से एंकल्स को पकड़ना है, इनहेल करते हुए सामने से अपने चेस्ट और चिन को और पीछे से अपने थाइस को जितना हो सके लिफ्ट करना। शुरुआत में अगर आपको एक साथ 5 सेकेंड, 7 सेकेंड या 10 सेकेंड करने में होल्ड करने में मुश्किल होती है, तो आप इस तरीके से होल्डिंग की बजाय ड्रिल्स कर सकते हैं। पहले ड्रिल्स करने के बाद आप अंत में होल्ड करें, क्योंकि होल्ड आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आसन का मतलब ही होता है स्थिर और सुखम। अगर स्थिरता नहीं है आपके पोस्चर में तो फायदे आपको कम होंगे, बट होंगे जरूर। तो आपने कोशिश करना है 5 से 7 से 10 सेकेंड जितना भी आप शुरुआत में होल्ड कर पाए जरूर करें। जब आप धनुरासन करते हो तो ध्यान दें आपका चेस्ट, शोल्डर,
थाइज, नीज, एंकल्स, कंप्लीट बॉडी बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो जाती है, जिसके कारण स्ट्रेस की वजह से धीरे धीरे जो मसल्स और जॉइंट्स में पेन आता है, मसल्स और जॉइंट्स वीक होने लगते हैं, तो उनमें भी धीरे धीरे क्या है, स्ट्रेंथनिंग आ जाती है। अंत में ब्लड के सर्कुलेशन को हार्ट या ब्रेन की तरफ और अच्छे से बढ़ाने के लिए हम करेंगे विपरीत करणी आसन का अभ्यास। विपरीत करणी आसन एक इन्वर्जन पोज है, और जितने भी इन्वर्जन पोज होते हैं उसमें हमारा लेग्स का पोजीशन है जो ऊपर आ जाता है और हेड का पोजीशन नीचे आ जाता है। इससे होता क्या है, सारा ब्लड का सर्कुलेशन आपके हार्ट और ब्रेन की तरफ बढ़ जाता है। और यूजली स्ट्रेस के दौरान हमारा सबसे पहले जो होता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, हमारी गट हेल्थ जो है वीक हो जाती है। तो जो ब्लड का सर्कुलेशन पेट के तरफ से होता हुआ हार्ट की तरफ ब्रेन की तरफ जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेस बूस्टर का काम करेगा, सॉरी स्ट्रेस को रिलीज करेगा और आपकी एनर्जी बूस्टर का काम करेगा। तो आपने करना क्या, धीरे से शवासन में लेट गए। जो लोग अच्छे प्रैक्टिशनर है या थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करते हैं, वो सिंपली नीचे से भी लेग्स को उठाते हुए इस तरीके से दोनों हाथों को हिप्स के नीचे रखेंगे और अपने बिग टोस को आई गेज के पैरेलल कर लेंगे और धीरे धीरे रिलैक्स करें। अब कई लोग डायरेक्टली नहीं इसको कर पाते हैं, हो सकता है कई लोग जो ये वीडियो देख रहे होंगे उनका वजन थोड़ा सा ज्यादा है, तो आप इनिशियली क्या कर सकते हैं, इसमें इस तरीके से रोलिंग करें 4-5 बार। जब 4-5 बार रोलिंग करते हैं तो अच्छा फ्लो बनने के कारण आप बॉडी को लिफ्ट कर पाते हैं धीरे धीरे। ध्यान रखें इसको सर्वांग आसन के साथ आपने कनेक्ट नहीं करना है, सर्वांग आसन जो है वो अलग अभ्यास है। विपरीत करणी आसन में हमारा जो वेट रहता है एल्बोस के ऊपर, आप देखेंगे मैंने कमर को पकड़ा हुआ नहीं है, मैंने हिप्स का सारा वेट हाथों से कंट्रोल किया हुआ। फिर धीरे धीरे जब आप वापिस आए इन्वर्जन पोज में, गर्दन पे थोड़ा सा प्रेशर पड़ता है तो इस तरीके से हाथों को हिप्स के नीचे दबाते हुए, पैरों को सीधा करते हुए, अपने गर्दन को रोल करते हुए मत्स्य आसन यानी फिश पोज का अभ्यास करना है। इससे आपके नेक को काउंटर स्ट्रेच मिलेगा, धीरे धीरे रिलैक्स और फिर धीरे से जब रिलीज करना है तो बाई ओर से करवट लेते हुए उठना है। मैंने अभी तक जितने भी वीडियोस शुरू किए हैं, वीडियोस की सीरीज, जैसे कि पहले मैंने योगा फॉर वेट लॉस बनाया, उसमें भी मैंने रिलैक्सेशन में लेग्स अप दी वॉल करवाया आपको, देन आज हम कर रहे हैं योगा फॉर रिलीजिंग द स्ट्रेस, इसमें भी मैं लेग्स अप दी वॉल आपको करवाऊंगी। क्यों करवाया जा रहा है ये पोज आपको बार बार, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, हम इस पोज की इंपॉर्टेंस को भूल गए हैं, हम बहुत कम इसका अभ्यास करते हैं, जबकि वन ऑफ द बेस्ट पोस्चर है। और कोई बिगिनर भी जो है जो योगा का अभ्यास नहीं करता वो भी इस पोस्चर को प्रैक्टिस कर सकता है, और करना भी कुछ नहीं है आपको, बस दोनों लेग्स को वॉल के साथ लगाते हुए होल्ड करना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार आपको जाना कैसे। देखो जाने का तरीका कि आप साइड वेज ऐसे अपना जो बॉडी पार्ट है, हिप है, वो पहले वॉल के साथ टच करेंगे, फिर धीरे से लेग्स को स्लाइड करते हुए वॉल पे लेके जाएंगे इस तरीके से, और धीरे से आर्म्स को इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे। सारा ब्लड का सर्कुलेशन आपसे लेग, आपके लेग्स की तरफ से होता हुआ किडनीज, यू नो लिवर, पैनक्रियाज, जितने भी आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, फिर हार्ट और ब्रेन की तरफ जाते हुए रिलैक्स कर देगा आपकी पूरी बॉडी को। और पैरों में अगर नंबनेस रहती है, काव्स टाइट है, और पैरों में थकान है, सारा दिन बैठे रहते हैं, तो भी ये पॉस्चर आपके लेग्स को एक्टिवेट करने के लिए बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। फिर कुछ देर होल्ड करने के लिए, एक्चुअल तो हमें इसको 5 मिनट से शुरू करना है, अगर आपसे नहीं होल्ड किया जा रहा तो आप 1-1 मिनट के सेट्स भी लगा सकते हैं, जैसे 1 मिनट किया उसके बाद रिलैक्स किया फिर दोबारा से किया, और अंत में आपको पवन मुक्त आसन करते हुए रिलैक्स करना। और रिलीज करने का तरीका यहीं से आपको साइडवेज टर्न करना है और दोनों हाथों के सपोर्ट को लेते हुए धीरे से मैट पर बैठ जाना है। चलिए अब समय है रिवीजन का। तो किन किन पोस्चर्स का हमने आज अभ्यास किया, सबसे पहले हमने अभ्यास किया सूर्य नमस्कार का, सूर्य नमस्कार के बाद उत्कटासन का अभ्यास किया, प्रसारिता पादोत्तानासन, देन धनुरासन, अंजनेयासन एंड विपरीत करणी आसन। पांचों ही आसन बहुत अच्छे हैं। देखिए स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए और भी हजारों आसन है, बट मैंने ये 5 आसन पिक किए
आई होप आपको ये आसन जो है करने में आसानी रही होगी. अगर कोई डिफिकल्टी है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर हमें बताइए. चलिए क्लास को क्लोज करते हैं डीप ब्रीदिंग के साथ. दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले लेंगे, आंखें बंद करेंगे, लंबा गहरा श्वास अंदर, अपने पेट, चेस्ट और शोल्डर्स को स्ट्रेच करते हुए ऊपर की तरफ, लंबा गहरा श्वास बाहर, लंबा गहरा श्वास अंदर, लंबा गहरा श्वास बाहर. दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़े और यहीं से चांट करें शांति मंत्र. ओम शांति शांति शांति. रब योर पाम्स, रिलैक्स योर बॉडी फ्रॉम हेड टू टो. आज के अभ्यास की सारी एनर्जी को हाथों के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसफर करें एक सॉफ्ट मसाज के थ्रू. एक बार फिर से दोनों हथेलियों को रब करें, हथेलियों को आंखों पर टिकाएं, आंखों के माध्यम से इस सकारात्मक ऊर्जा को जो आपको हील कर रही है बॉडी के अंदर ट्रांसफर करें. धीरे धीरे हथेलियों को सामने लेकर जाएं, आंखें खोलते हुए हथेले को देखें. सो शुक्रिया, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो.